नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको तो दोस्तों वन प्लस फाइव में एक खासियत और है जिसमें हम अपने फेस आईडी को स्कैन करके उस मोबाइल को ओपन कर सकते हैं, वो हॉनर एट प्रो में नहीं है। तो ये खासियत वन प्लस फाइव को और आगे ले जाती है। तो वन प्लस फाइव इज़ द बेस्ट, हॉनर एट प्रो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वन प्लस फाइव थोड़ा महंगा भी है और हॉनर एट प्रो उतना महंगा नहीं है। तो हॉनर एट प्रो से अगर हम कंपेरिजन करना चाहें वन प्लस का, तो उसके लिए वन प्लस थ्री टी अच्छा होगा, वन प्लस फाइव टी अच्छा उतना नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल हॉनर का कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप 30,000 के अंदर लेना चाहते हैं तो आपके लिए हॉनर एट प्रो अच्छा रहेगा। और अगर आप 30,000 से ऊपर थोड़ा जाना चाहते हैं, 30,000 और 35,000 के बीच में, तो आपके लिए वन प्लस फाइव टी अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में सुंदर ही मिलते हैं दूसरे कभी वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, बाय बाय।